हम बात कर रहे हैं रेणुका शुगर की। आज के दिन की बात करें तो स्टॉक में छोटे मोटे अपसाइड के साथ स्टॉक जो है 42.50 रुपीज़ पर हमको ट्रेड करता नज़र आ रहा है। गिरावट के बाद बाउंस बैक कर दिया स्टॉक ने। हमने डिस्कस किया था 44 जो सपोर्ट था, तगड़ा रेजिस्टेंस रहेगा, उसी के आसपास से स्टॉक ने रिजेक्शन फेस किया, लेकिन स्टॉक में बाइंग देखने के लिए मिल रही है तो और अपसाइड यहाँ से आने के चांस आप बनते नज़र आ रहे हैं। 44 का भी जो लेवल है ब्रेकआउट करता रेणुका शुगर हमको नज़र आ सकता है। अगर हम इसको 30 मिनट टाइम फ्रेम पर देखें तो देख सकते हैं गिरावट के बाद जंप रिजेक्शन, अगेन जंप हाई ब्रेकआउट, गिरावट आई जंप के साथ हाई ब्रेकआउट हुआ, तो यहाँ से तेज़ी का सिग्नल मिलते नज़र आ रहा है। लेकिन 44 है इसका मेजर रेजिस्टेंस, बस उसी के ब्रेकआउट का इंतज़ार है। गिरावट आई तो सपोर्ट कहाँ लिया स्टॉक ने, 42 के लेवल पर इमीडिएट सपोर्ट है, और 38-40 का जो लेवल है तगड़ा और इम्पोर्टेंट सपोर्ट है रेणुका के लिए। जब तक इसके ऊपर है रिकवरी के चांस बने हुए, तो रिकवरी स्टॉक में आते हुए ऑलरेडी यहाँ से नज़र आ रही है। हम देख सकते हैं बाइंग देखने के लिए मिल रही है, 44 के आसपास से रिजेक्शन लिया है तो बड़ी गिरावट नहीं आ रही है, ब्रेकआउट के चांस बन रहे हैं। तो अब नज़र रख कर चलना है 44 के ही लेवल पर। 44 का लेवल ब्रेकआउट करने के चांस बने हुए, हाईली चांस बन रहा है। अगर 44 का लेवल ब्रेकआउट कर गया रेणुका शुगर, इस रेंज को ब्रेकआउट कर जाता है तो 48 से लेके 50 तक का जम दिखा सकता है, फिर 50 के आसपास फ्रेश बाइंग को अवॉइड करके चलना ठीक रहेगा। वीडियो एजुकेशन पर्पज़ के लिए, कोई बाय सेल या होल्ड की सलाह नहीं दे रहे। अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से कर सकते हो।